गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम परवीन फ्रॉम हैप्पी कैमरेज स्कूल, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हमने हिंदी की लाइव क्लास में पार्ट 7 रंग बिरंगी धरती, इस पार्ट को हमने पहले पढ़ा था और इसके आज हमने प्रश्न उत्तर किए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लाइव क्लासेस नहीं लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनसे कहूँगी कि वो सभी बच्चे लाइव क्लासेस ज़रूर लें। चलिए, आज हम पेज नंबर 63 पर ये प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। सभी बच्चों ने इन्हें ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, हिरनी रोज सवेरे कहाँ चरती है? हिरनी रोज सवेरे कहाँ चरती है? तो बच्चों, हमने पढ़ा था, हाँ, इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती, और इनके किसके लिए यूज़ किया था? पेड़ों के लिए। तो हमारा आंसर है कि हिरनी रोज सवेरे कहाँ चरती है? पेड़ों के नीचे। ठीक है, हिरनी रोज सवेरे कहाँ चरती है? पेड़ों के नीचे। प्रश्न 2 देखिए, कविता में रंग बिरंगी धरती के बारे में किसे बताया जा रहा है? कविता में रंग बिरंगी धरती के बारे में किसे बताया जा रहा है? तो जब हमने ये कविता पढ़ी थी, यहाँ ध्यान से देखेंगे, रंग बिरंगी धरती, बच्चों रंग बिरंगी धरती है ना, तो किसे बता रहे हैं यहाँ पर कवि? बच्चों को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस कविता में किसे बताया जा रहा है धरती के बारे में? बच्चों को। मात्रा का ध्यान रखना है सभी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, वृक्षों पर बैठकर मीठे राग कौन सुनाते हैं? वृक्षों पर बैठकर मीठे राग कौन सुनाते हैं? वृक्ष मीन्स पेड़ों। ठीक है, तो ध्यान से आपने देखिए, यहाँ पढ़ा था हमने, इस पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते। इस शब्द को इसके लिए यूज़ किया गया है, पेड़ों के लिए। तो पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते। कौन सुनाते हैं राग? हमने कल भी पढ़ा था कि राग किसे कहते हैं? राग कहते हैं गीत को। तो पेड़ों पर बैठ के कौन गीत गाता है? पक्षी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, जंगल की हरदम रक्षा कौन करती है? जंगल की हरदम रक्षा कौन करती है? तो हमने पढ़ा था, बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती। कौन कर रही है बच्चों? बूढ़ी नानी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बूढ़ी नानी। ठीक है, तो ये बच्चों शॉर्ट वाले आंसर हैं, वन वर्ड वाले इन्हें आपने करना है, लॉन्ग वाले हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो एक बार और रिवाइज करते हैं। हिरनी रोज सवेरे कहाँ चरती है? पेड़ों के नीचे। कविता में रंग बिरंगी धरती के बारे में किसे बताया जा रहा है? बच्चों को। प्रश्न 3, वृक्षों पर बैठकर मीठे राग कौन सुनाते हैं? पक्षी। प्रश्न 4, जंगल की हरदम रक्षा कौन करती है? बूढ़ी नानी। बच्चों, ये चारों प्रश्न आपने अपनी कॉपी में करने हैं और हमेशा की तरह बुक के यहाँ सामने भी लिखने हैं। ठीक है, और इन्हें साफ साफ अपनी कॉपी में भी करना है। साथ ही साथ आप पेज नंबर 64 पर आ जाइए। पेज नंबर 64 पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं, तो अधूरी है ये, इन्हें पूरी करनी है। ठीक है, जैसे लिखा ना, इस पर बैठे पक्षी मीठे, आगे क्या आएगा? मीठे मीठे राग सुनाते। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न आपने करना है, इस पर टिक लगा लीजिए। दूसरा, हमने शब्दार्थ किए हुए हैं बेटा, कल की क्लास में किए थे, तो आपने ये वाले शब्द
नहीं, इसमें तुकान शब्द है, शब्द अर्थ नहीं है, ये तुकान शब्द है। जैसे धरती का, धरती से मिलता जुलता शब्द क्या है, चरती, काटो बांटो, हरे भरे, नाता भाता, निराली हरियाली। और आपने ये वाला भी करना है। और प्रश्न 6 पेज नंबर 65 पर है आपका। इसमें आपको शब्द दिया गया है पक्ष, इस पर आपने बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ठीक है? तो सभी में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। पक्ष से बनेगा पक्षी, ठीक है? राना लिखा है रानी बनेगा, मोरन लिखा है मोरनी बनेगा। ये मत देखो, ये गलत है, ठीक है? आपको ये वाला प्रश्न भी अपना करना है, ठीक है बच्चों? और मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था कि आपने इंट्रो पेज भी बनाना है। आई होप कि आप सभी ने वो इंट्रो पेज बनाया होगा और अपना सभी काम अपना कंप्लीट रखना है। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।